नमस्कार और आप देख रहे हैं पल का। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में करवाए गए दूसरे चरण के सीरो सर्वे में 14.8% लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई, ये जानकारी दी। उन्होंने कोरोना की वर्तमान मृत्यु दर 0.06% को न्यूनतम स्तर तक ले जाने के लिए चिकित्सकों और अन्य लोगों को कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। इसके साथ ही कोरोना के पूरे इतिहास पर शोध करने की आवश्यकता है, इसके निर्देश भी जारी किए। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने आज यह जानकारी कोविड 19 की तीव्रता की जांच के लिए करवाए गए दूसरे चरण में सेरो सर्वे में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए जानकारी दी। इस दौरान विभाग द्वारा बनाई गई कोविड 19 सेरो सर्वे राउंड टू नामक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। दूसरे चरण का सर्वे भी 19 से 20 अक्टूबर को राज्य के सभी जिलों में करीबन 14,477 लोगों के नमूने एकत्र किए। इसमें करीबन 14.8% लोगों में एंटीबॉडीज तैयार होने की पुष्टि हुई है। इससे पहले अगस्त माह के दौरान पहला सर्वे करवाया गया था, जिसमें करीबन 8% लोगों में एंटीबॉडीज बनी थी, जो कि इस बार बढ़कर के 14.8% हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 11.4% तथा शहरी क्षेत्रों में 19.8% एंटीबॉडीज पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि शहरी सिरों में सर्वे की रिपोर्ट में ये फरीदाबाद में 40.2%, यमुनानगर में 37.1% तथा पानीपत में 36.3% रहा है। वहीं इसी प्रकार अधिकतम सिरो पॉजिटिव जिलों में फरीदाबाद 31.2% तथा यमुनानगर में 28.6% तथा जींद में 26.6% एंटीबॉडीज पाई गई। इसके साथ ही 10% के निचले सिरो पॉजिटिविटी में पाए गए जिलों में हिसार 9.7%, महेंद्रगढ़ 8.6%, चरखीदादरी 7.7% तथा सिरसा 7.5% और पलवल 5.5% तथा भिवानी में 3.1% पाए गए। आप देख रहे हैं पलपल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। ये महामारी जो फैली हुई है, ये इसलिए करवाया जाता है कि हमें पता लग सके कि कितने परसेंट लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। और जो हमने पहला 20 अगस्त को कराया था, उसमें 8.7% आया था रिजल्ट इसका, जिनमें एंटीबॉडी डेवलप हुई हुई थी। और जो हमने अब करवाया अक्टूबर में, इसमें 14.8% जो है इसका रिजल्ट आया, जो एंटीबॉडी डेवलप हुई है। अगर इसको हम रूरल और अर्बन के उसमें देखें तो 11.4% रूरल एरियाज़ में ये पॉपुलेशन एंटीबॉडी जिनमें डेवलप हुई है, और अर्बन में 19.8% डेवलप हुई है। अगर हम अर्बन एरियाज़ में फर्स्ट सेकंड थर्ड सिटी देखें तो फरीदाबाद, यमुनानगर और पानीपत, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फरीदाबाद में 40.2%, यमुनानगर में 37.1% और पानीपत में 36.3% इसका पॉजिटिव आया है। अगर हम सबसे ज़्यादा हाई सीरो पॉजिटिविटी डिस्ट्रिक्ट्स देखें तो उसमें फरीदाबाद में 31.2%, यमुनानगर में 28.6% और जींद में 26.6% आया, हाईएस्ट अगर हम देखें ऊपर। और अगर लोएस्ट देखें कि सबसे कम किस में है, तो भिवानी में 3.1% है, पलवल में 5.5% है और सिरसा में 7.5% है। अगर हम मिनिमम देखें जो पॉजिटिविटी ये सीरो सर्वे में आई है, इसमें लगभग जो पिछला हमारा सर्वे हुआ था उसमें 18,500 पिछले में कवर किए गए थे, और इसमें इसमें सैंपल लिए हैं 14,477 जो है इसका वो आया है। ये सीरो सर्वे से हमें स्टडी करने का पता लगता है कि अभी हमको कितना और आगे जाना है, क्योंकि जो कोरोना के खिलाफ़
लड़ाई है वो सतत जारी है, अभी ये किसी स्टेज तक नहीं पहुंची है। अभी हमारे डॉक्टर्स ने, आई वांट टू सैल्यूट देम, कि जिन्होंने बिना इसकी कोई डेफिनेट या स्पेसिफिक मेडिसिन होते हुए भी ट्रेडिशनल मेडिसिन से इसको कंट्रोल में रखा है और हमारा जो रिकवरी रेट है 91.46% और जो मृत्यु दर है 1.06 पे हम कंट्रोल करने में कामयाब रहे हैं। और कल हमने जो हमारी हरियाणा मेडिकल काउंसिल है उसके माध्यम से हमने कल जितने कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ के डॉक्टर्स हैं, उनका, क्योंकि जो हरियाणा मेडिकल काउंसिल है वो डॉक्टर से ही संबंधित है, कल हमने अम्बाला में उनको सबको सम्मानित किया था और जिन्होंने अपनी जान खो दी इसमें, जहाँ जो शहीद हो गए उनके परिवार वालों को भी हमने रिकॉग्नाइज किया था कि ये इनके परिवार वाले हैं। जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है दे हैव डन वेल, लेकिन अब हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि मृत्यु दर को वो और नीचे लाने का प्रयास करें कि मृत्यु दर और नीचे आनी चाहिए और इसका जो सारा स्टडी है वो भी इसमें की जाए कि ये जो वायरस है, क्योंकि ये बहुत ही धोखेबाज और बेईमान वायरस है, इसकी कोई हमारे पास स्टडी नहीं है, हमारे पास इसका कोई पुराना इतिहास नहीं है, हमको ये मालूम नहीं है कि ये गर्मी में बढ़ता है या घटता है, सर्दी में बढ़ता है या घटता है, साल के किन महीनों में ये ज़्यादा होता है या किन में कम होता है। जैसे बाकी बुखार हैं उनके उनकी हमारे पास स्टडी है, जो बाकी जितने भी वायरस हैं, लेकिन इसके बारे में अभी हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। तो इसलिए ये ज्ञान भी हमें डॉक्टर कम्युनिटी ही देगी, डॉक्टर्स को ही, सबको मैंने कहा है कि आप इसका पूरा स्टडी करें। और जैसा कि मैंने शुरू में भी एक बार बताया था कि हमने अपने जो मेडिकल जो मेरा डिपार्टमेंट है उसमें हमने एक टीम गठित की है कि इसका सारा इतिहास वो स्टडी करेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे कि किन किन परिस्थितियों से होकर हम गुजरे, क्या क्या हमने प्रयोग किए, कौन कौन से प्रयोग कामयाब रहे, कौन कौन से प्रयोग ठीक नहीं रहे, ताकि आइंदा कभी भी अगर मानव जाति पर इस प्रकार का प्रहार होता है किसी बीमारी के माध्यम से, तो ये स्टडी उस वक़्त आने वाली पीढ़ियों के लिए ये उस वक़्त एक बहुत आई ओपनर होगा, देखने के लिए होगा, हमें इससे बहुत लाभ होगा कि इस सन में 2020 में ये बीमारी आई थी और ये प्रक्रियाएं अपनाई गई थी। जैसा अब हमने बनाया है आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं, हमने कोविड केयर सेंटर बनाए हैं, हमने ICU बनाए हैं, हमने सब जगह पर वेंटिलेटर्स हमने लगाए हैं, जो जो प्रयास हमने अब किए हैं ताकि 100 साल बाद, 200 साल बाद, 1000 साल बाद अगर ऐसी कोई बीमारी आती है तो जो स्टडी अब की हुई होगी उस वक़्त की पीढ़ी को उससे लाभ होगा, वो हमने करने के लिए कहा है। और एक बार मैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, मैं आई हैव एवरी अप्रिसिएशन फॉर द डॉक्टर्स एंड बैक ऑफिस टीम आल्सो, दे हैव स्पेंट मैनी स्लीपलेस नाइट्स इन प्रोवाइडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेडिसिन टू द डॉक्टर्स, दे हैव डन वेल। जो हमारा PGI रोहतक है, मैंने उनको ये भी इंस्ट्रक्ट किया है कि पोस्ट कोरोना कोविड केयर सेल गठित किया जाए, क्योंकि जो कोरोना के बाद के सिम्टम्स आ रहे हैं वो भी बहुत जो है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और उसके लिए एक टीम को वहाँ पर तैयार किया जा रहा है कि जो पोस्ट कोरोना सिम्टम्स हैं उनको केयर करने के लिए।